अस्सलाम वालेकुम। लवबर्ड वैली की इस वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स ठीक ठाक होंगे और सेहतमंद होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो मेरे ब्लैक मार्क्स लवबर्ड्स का पेयर है जो मैंने अभी ख़रीदा है। ये मेरा एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, दोस्त तो नहीं है, भाई है, तो उससे मैंने ये पेयर ख़रीदा है। तो ये 2000 का मुझे पेयर मिला है, एडल्ट हैं ये, ब्रीडर पेयर है, ब्लैक मास लवबर्ड्स हैं। ब्लैक मास लवबर्ड्स में जो खसूसियत होती है वो ये है कि इनका जो सर है ना उसके ऊपर ब्लैक कलर का मास्क होता है और इनकी चोंच जो होती है वो ब्राइट रेड होती है और इनके चेस्ट पे और इनके कॉलर पे येलो कलर होता है, ठीक है, और परों के बैक पे डार्क ग्रीन कलर होता है और परों के नीचे जो पेट पे इनके जो है लाइट ग्रीन कलर होता है। पाँव इनके जो होते हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये रिंग लवबर्ड में आता है, इनकी आँखों के गिर्द जो होता है वाइट कलर का रिंग होता है। तो पर्सनाटा वैरायटी है ये, एगापोर्निस पर्सनाटा इसका जो साइंटिफिक नेम है। तो ये जो है मेल फीमेल है, कंफर्म पेयर है, ठीक है। मैंने जब लिया है उससे, भाई से, तो चेक करके लिया है, तो वैसे भी वो बता रहा था कि ब्रीडर पेयर है, ब्रीड कर रहा था। तो ये फ्रेंड्स, अब मैं इसको लेके आया हूँ और मैं इनको छोड़ूंगा अपने केज में जहाँ पे मेरे पास ब्लू मास्क हैं और मूव पर्सनाटा और वॉलेट पर्सनाटा, उस केज में छोड़ूंगा, क्योंकि ये पर्सनाटा वैरायटी है तो पर्सनाटा के साथ ही इसको रखना चाहिए, ठीक है। पेयर भी इनका जो होता है वो पर्सनाटा के साथ ही लगाना चाहिए। इसको फिशर से लगाना भी गलती होती है और इसको नॉन रिंग से यानी कि लुटीनों से लगाना भी जो होती है वो गलती होती है, तो बच्चे जो होते हैं वो बेकार होते हैं। तो मैं इसको अभी छोड़ूंगा बड़े केज में इस पेयर को, और मैं इसको पर्सनाटा वैरायटी के साथ छोड़ूंगा। तो अब ये आजकल जुलाई है तो अगस्त सितंबर में ये ब्रीड कर जाएगा पेयर। तो बड़ा अच्छा पेयर मुझे मिल गया है ये ब्लैक मास का, ठीक है। तो ब्लैक मास का पेयर आमतौर पे जो होता है ना ये तकरीबन 2500 तक पीस की प्राइस होती है। तो ये क्योंकि बड़ा पेयर है, ब्रीडर पेयर है, तो 2000 में बहुत सस्ता मुझे मिल गया है, बहुत अच्छा मिल गया है ये पेयर मुझे। तो फ्रेंड्स, चले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको केज में छोड़ता हूँ बाकी पेयर्स के साथ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से इसको केज में शिफ्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं इस पेयर को छोड़ने लगा हूँ केज में, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये केज में छोड़ते हुए। तो पकड़ के ही छोड़ना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये पेयर मैंने केज के अंदर छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं कि वो ये जाके बैठ गया है पेयर। ये देखें, माशाल्लाह बहुत प्यारा पेयर मुझे मिल गया है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना अपने बर्ड्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।